हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग जमशेदपुर झारखंड। आज मैं आपको इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से मिलाऊंगा जो यहां पर इंस्ट्रूमेंटेशन का ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उनसे जानने का कोशिश करूंगा कि वो यहां से ट्रेनिंग करके कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनके अंदर में ट्रेनिंग करने के बाद कॉन्फिडेंस आया है, और क्या वो इंटरव्यू देने के लिए रेडी हैं और काम करने के लिए रेडी हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और उनका क्या नाम है, और फिर वो लोग आपको ये इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करके भी दिखाएंगे जो यहाँ पर आके वो सीखे हैं, और किस कॉन्फिडेंस से वो कैलिब्रेशन कर पा रहे हैं ये भी आप देख पाएंगे। तो चलिए पहले इनसे मिलते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है, मैं छपरा बिहार का रहने वाला हूँ सर, और मैं यहाँ पे YouTube से देख के आया था। मेरे को ये इंस्टीट्यूट बढ़िया लगा और यहाँ पे आया तो यहाँ के सब स्टाफ और सब सर भी अच्छा से पढ़ाते हैं। जितना मेरे को बताए उतना में मतलब 70% मेरे पास अभी नॉलेज है, और तो प्लांट में जाने के बाद में मालूम चलेगा क्या कैसे। मेरा नाम शमशेर आलम है, मैं बिहार के लखीसराय ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मुझे इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन कोर्स के बारे में पता चला और मुझे ये करना था, तो मेरे एक फ्रेंड ने यहाँ से जमशेदपुर झारखंड से टेक्नो इंस्टीट्यूट से इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर्स किया। उन्होंने मुझे बताया कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा रहेगा इसके लिए, तो मैं भी यहाँ आया और दूसरे इंस्टीट्यूट में भी गया, पता लगाया कि कौन बेटर रहेगा मेरे लिए। तो मैंने पता लगाया, मैंने देखा तो सारे इंस्टीट्यूट में ठीक ही ठाक थे, बट मुझे टेक्नो इंस्टीट्यूट का जो लैब है, जो प्रैक्टिकल रूम है, वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मौजूद थे जो मुझे लगा यहाँ से करूँगा तो मेरे लिए फ़ायदेमंद रहे। लेकिन यहीं पे मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता है, और यहाँ के जो टीचर हैं जो प्रैक्टिकल के या थ्योरी के, वो सिर्फ थ्योरी बुक से नहीं पढ़ाते हैं, उन्होंने वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर पढ़ाते हैं। उन्होंने 10-15 साल गल्फ में जॉब किए हुए रहते हैं, तो वो अपने प्रैक्टिकल के हिसाब से भी अच्छे बताते हैं, जो अदर टीचर सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं। तो मैंने यहाँ प्रैक्टिकल किया, मुझे अच्छा लगा, मैं समझ पाया कैलिब्रेशन और भी बारिश जो चीज़ें हैं सब, कैसे कैलिब्रेशन करेंगे, रेजिस्टेंस कैसे चेक करेंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन में कोर्स होते हैं। तो मुझे लगता है अभी कि आने से पहले तो मुझे कुछ पता नहीं था, बट अभी ऐसा लगता है कि मुझे 70-80% प्रैक्टिकल मुझे समझ में आ गया है और मैं कर सकता हूं, जो कि ज़रूरी होती है, क्योंकि अभी इंडस्ट्री में अगर जाओगे तो आपकी थ्योरी ज़्यादा काम नहीं आएगी। आप अपने प्रैक्टिकल अगर किया हुआ है तो आप वहां वो कर सकोगे, क्योंकि थ्योरी जो पढ़ते हैं और फिर उसी को जो प्रैक्टिकल करते हैं तो दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ के इंस्टीट्यूट में, टेक्नो इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल में जो जितने सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, तो हम कर सकते हैं। थैंक यू। मो नाम निहारंजन महांत, मुड़ा केन्दुझर जिलूर बिलंग कै मु प्लस टू 2015 पास आउट 2017 पास आउट करी एवं बीटेक 2021 मसीह पास आउट करी, किंतु पास आउट कला भी प्रैक्टिकल फील्ड रे किंबा इंडस्ट्रियल क्षेत्र में एत कॉन्फिडेंस फील कर पार नी, कि यूट्यूब देख सर्च कला मुझे इंस्टीट्यूट विषय जानवाक पाइली, यूट्यूब जहाँ देखा पाइली प्राक्टिकाल ये आसला सेम जिनसा आसला क्लास कला प्रैक्टिकल करे आगर अपेक्षा बहुत कॉन्फिडेंस फील करुच्ची। मेरा नाम सरफराज है और मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूँ, और मैं पहले मैं बहुत सोचता था मेरे को इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का कोर्स करना था, और मैंने फिर मैं सोचा कहाँ से करूँ कहाँ से करूँ, तो मुझे यूट्यूब में मैं गया सर्च मारा, और उनके बाद मेरे को बहुत सारा इंस्टीट्यूट दिखा, और बहुत सारा इंस्टीट्यूट को मैंने देखा, बहुत सबको देखा, लेकिन मुझे इनका अपने टेक्नो इंस्टीट्यूट का मुझे मैप पसंद आया इनका, और बहुत कुछ सर्च किया मैंने, देखा उनके बारे में तो अच्छा लगा मुझे, और मैं वहाँ से फिर यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद मैंने देखा तो सच में इनका इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, और हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है, मौजूद है, हमारा ट्रांसमीटर हो अगर हार्ट कम्युनिकेटर हो, और सर यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं, और उनके पास उनका गल्फ एक्सपीरियंस भी है उनके पास, और वो सर जब जो भी पढ़ाते हैं हम लोग को बहुत अच्छे से प्यार से पढ़ाते हैं, और यहाँ जो प्रैक्टिकल हम लोगों ने किया है मेरे ख्याल से सभी यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं सभी को 80% तक समझ में आता है, और वो सीखते हैं और खुद देखते हैं, खुद से करते भी हैं। ठीक है, तो आप लोग भी देखिए, और यहाँ पे हम
बता रहे हैं आपको, यहाँ पे हार्ट कम्युनिकेटर भी सर का है और मैंने खुद इस हार्ट कम्युनिकेटर से प्रेशर ट्रांसमीटर को कैलिब्रेशन किया है, खुद से चलाया है, सर पीछे खड़े होकर सपोर्ट किए हमें और सभी स्टूडेंट जो भी रहते हैं सब बारी बारी से एक एक करके सभी को कैलिब्रेशन करके सर बताते हैं और वो करते हैं, खुद से हार्ट कम्युनिकेटर चलाते हैं, मल्टीमीटर से करते हैं, ए टू जेड काम मतलब सर पीछे से सपोर्ट होके खड़े होके बताते हैं और काम करवाते हैं सबको हाथों से। और थ्योरी तो सर एक्सपीरियंस है उन सर के पास और वो सर मतलब गल्फ रिटेनर है, 5 ईयर 10 ईयर्स सब सर सब है और वो सब पढ़ाते हैं, उनको थ्योरी भी पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल भी वही कराते हैं, उनके पास प्रैक्टिकल का नॉलेज है और एक्सपीरियंस भी है, दोनों चीज़ है, वो साथ में करवाते हैं खड़े होकर। प्रैक्टिकल जो है हमारे सरफराज सर कराते हैं जो अभी भी ऑन ड्यूटी में है वो, और ऑन ड्यूटी में काम करते हैं और वहाँ से फिर वो आते हैं यहाँ हम लोग को जो भी अभी के टाइम में जो हो रहा है प्लांट लाइन के अंदर में वो सर हम लोग को बताते हैं और सब कुछ दिखाते हैं। और ये देखिए, यह आप हमारा लैब रूम देख सकते हैं आप, पूरा जो सेटअप किए हमारे सरफराज सर ने जो हमको हम लोगों को यहाँ प्रैक्टिकल करवाते हैं वो। ये देखिए हमारा ये PLC है। माझा नाव अंसार अंसारी है, मी महाराष्ट्र वरना इथं आलं आहे इंस्ट्रूमेंट टेक्निशियन करायला। मी महाराष्ट्रामध्ये 10वी आणि 12वी केल्यानंतर असा विचार केला की आता पुढं आपल्या क्वालिफिकेशन नाही जमणार, म्हणून मी इंस्ट्रूमेंट टेक्निशियनचा कोर्स करायला इथं टाटा जमशेदपूरमध्ये आलो आहे। टेक्नो इन्स्टिट्यूटमध्ये मी आल्यावर मला असा समजला की कल्ला की इथला लॅब लय भारी आहे। नाम तसीफ जुनैद, आम्ही हुगली डिस्ट्रिक्टे वेस्ट बेंगल थेके एसेछि। एखाने आम्ही इंस्ट्रुमेंटेशने कोर्स करलाम एसेछि। मेरा नाम मोहम्मद सलीम, मैं नवादा जिला का रहने वाला हूँ। मैं इंटर पास करके इधर इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का कोर्स करने आया हूँ। इंस्टीट्यूट से मेरा दोस्त एक करके गया इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का कोर्स। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन करने का इरादा था पर कन्फर्म पता नहीं था कहाँ सही होता है और कहाँ नहीं होता है। जब मैं अपने दोस्त से पूछा तो वो बताया टेक्नो इंस्टीट्यूट का नाम और वहाँ बताया कि वहाँ प्रैक्टिकली और थ्योरी दोनों साथ बहुत बढ़िया तरीके से कराए जाते हैं। और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत सीखने को मिला। मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ, मैं बिहार से नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जमशेदपुर में आया हूँ और मैं हुआ ISC मतलब इंटर करके यहाँ पर 8 में। उसके बाद करने के बाद मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा, तो एक यूट्यूब चैनल पर देखने के बाद टेक्नो इंस्टीट्यूट जमशेदपुर ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर आने के बाद देखे कि यहाँ पर सबसे बेस्ट क्वालिटी है और लैब भी सबसे अच्छा है। मेरा नाम सैफ अली है, मैं रांची से रहने वाला हूँ और मैं मैट्रिक लिखा 2018 में, अब इंटर किया 2020 में। और मेरे पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं था तो मैं ये सोचा कि क्या करूं, तो फिर मुझे इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का पता चला कि वो कोर्स करना अच्छा है, तो मैं एक बार टाटा आया और इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन टेक्नो में मैं आया यहाँ कोर्स पता करने। तो यहाँ पे मैं देखा कि यहाँ का लैब भी अच्छा है, क्या है कि यहाँ पे हम ये सब सारा चीज़ जो देख रहे हैं, ये सब देखने के बाद मेरे माइंड में बहुत सारा चीज़ ऐसा आ जाता है कि यहाँ कॉन्फिडेंस हो गया कि हम ये देख सकते हैं, ये कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है, इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है, जो इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को स्किल्ड और कॉम्पिटेंट बनाता है। और यहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद स्टूडेंट किसी भी कंपनी में जाकर कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देते हैं और इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और एक कामयाब जिंदगी गुजारते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में और कौन कौन से ट्रेड में ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में इससे ज़्यादा बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज को लाइक कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो ट्रेनिंग या जॉब से रिलेटेड अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें 9570884884 पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। टेक्नो में बहुत सारे स्टूडेंट के क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे शॉर्ट टर्म जॉब ओरिएंटेड सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराया जाता है।
जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HBAC इंजीनियर, HBAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल टेक्नीशियन, मैकेनिकल फिटर, वेल्डर, आर्क, टिग एंड मिग, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, निबोस, HHW एंड IGC, लैंड सर्वेयर, सिविल फोरमैन, ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन, क्रेन ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर, JCB ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन एंड CCTV ऑपरेटर। डियर फ्रेंड्स, अगर आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, आप सभी का यह अधिकार है कि आप एक कामयाब जिंदगी गुजारें। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए आपके पास एक अच्छे जॉब का होना बहुत जरूरी है, और आज के इस कॉम्पिटिटिव टेक्निकल दुनिया में आपको जॉब तभी मिलेगा जब आपके पास टेक्निकल नॉलेज होगा। तो आइए आपको हम टेक्निकल ट्रेनिंग देकर जॉब करने के लायक बनाएंगे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, काम सीखने से ही नौकरी मिलेगी। तो आइए काम सीखें और देश विदेश में नौकरी पाएं। तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि ये वीडियो हर जरूरतमंद तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।